अब ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग गया भाई। चौथा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बस ये आंसर है। कहाँ माइनस वन लिखा बेटा, इसका प्लस वन का, वन का स्क्वायर यहाँ पर आता है ना माइनस वन, जो भी वैल्यू लिखा होता है उसका स्क्वायर नेगेटिव मार्क्स। तो ये आ गया आपका लॉग एक्स प्लस वन प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन। टेंथ के बाद इलेवन किसने बोला था? खुशी तेने सर, बोला यस सर। dx अपॉन 9x² प्लस 6x+5। तो पहले नाइन कॉमन ले लो, तो ये हो गया dx अपॉन x² प्लस 6/9 मतलब 2/3। अब 2/3 का आधा 2/6 2/6 मतलब 1/3, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 1/9 dx अपॉन x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/9 प्लस 5/9। ये माइनस 1/9 क्यों आया पता है ना सभी को? माइनस वन बाई थ्री यस का होल स्क्वायर, तो माइनस 1/9 प्लस 5/9। ना 5/9 माइनस 1/9 कितना हो गया भाई? 4/9। 4/9 मतलब 2/3 का होल स्क्वायर। तो आंसर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ रहा 1/a टेन इनवर्स x/a। अब खुशी गलत कहाँ हुआ था ये देख लेते, कहाँ गलत हुआ था? सर, वो उसको हाफ करके करने में। बेटा ऐसे क्या करते हो? चलो ये इसका आंसर हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 11th हो गया भाई आपका। 11th के बाद क्या बोला था? 13, 13 से पहले 12 तो नहीं था ना, 13 देख लो। dx अपॉन अंडर रूट ऑफ x-1 इंटू x-2। तो पहले x-1 और x-2 को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ गया आपका x² माइनस 3x+2। x² माइनस 3x+2। अब x का कोफिशिएंट है 3, 3 का आधा 3/2 3/2, तो ये हो गया आपका x-3/2 का -9/4+2। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो ताकि नीचे 4 आए। ना -9/4+8/4 कितना हो गया? -1/4। तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा बेटा x² माइनस ए स्क्वायर का, 1/4 मतलब 1/2 का होल स्क्वायर, ये लगेगा। किसने पूछा था? हुआ यहाँ तक समझ में आया कि कोई दिक्कत है? तो लोग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ x² माइनस ए स्क्वायर, बस ये आंसर आ गया। अब पीछे कुछ भी दे रखा हो लेकिन ये आंसर आ, कोई दिक्कत नहीं। x² लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ x² माइनस ए स्क्वायर, तो ये 13 वाला था। इसके अलावा इसके अलावा 15, 15 देख लो। अच्छा एक इंफॉर्मेशन है, जिसको भी बुक चाहिए सैंपल पेपर की मैंने मंगवा ली है, वो अपन को 30% डिस्काउंट दे रहा है। मार्केट में तो कम है ना, ज़्यादा कम ही मिलता है, तो 220 की प्रिंटेड रेट है वो आपको 160 में दे रहा है, ठीक है? तो जिसको चाहिए वो ले सकते हैं। बाकी किसी को वो नहीं, लेकिन ये है कि प्रैक्टिस के लिए, बाकी मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं इसमें बोल रहा हूँ कि नहीं तुम लो इसे, वो तुम्हारी सर, प्रैक्टिस सर
खुद की बोर्ड है, कोई दिक्कत सर किसके है, आर डी शर्मा के? नहीं नहीं आर डी शर्मा नहीं, ये उसकी है एपीसी की, जो एम एल अग्रवाल वाला है ना, जो एम एल अच्छा, उसकी है। ओके ओके एक ही बात है, उससे कब रख पड़ते हैं तो यहाँ थ्री कॉमन आ गए ना बेटा, तो उससे वही तो आएगा। चलिए 15 और देख लो, फिर इसके बाद आगे चालू करते हैं भाई, एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करते हैं। 15 मतलब इतने दिनों बाद स्कूल गए तो अच्छा लग रहा होगा। मैं बोर को ऐसे बी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। देखो सर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी, ये मल्टीप्लाई कर लिया। अब डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो ए प्लस बी आ गया अंदर प्लस ए बी। अब एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का आधा। भाई क्या करते हैं हम, ए प्लस बी का आधा। तो देखो इधर डी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस ए, ये समझना है एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का बाई टू का होल स्क्वायर प्लस ए बी। बेटा अब इसको रफने सोल्व कर दो आप, देखो माइनस ए प्लस बी बाई टू, ये रफने कर रहा हूँ, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी अपॉन फोर प्लस ए बी। एलसीएम ले लो, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस फोर ए बी, ये रफने सोल्व करना है, उसको नहीं दिखाना। तो ये आ गया माइनस टू ए बी और प्लस टू ए बी, माइनस कॉमन ले लो तीनों से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए माइनस बी बाई टू का, तो कुल मिलाने की बात ये है, ये रफनेस सोल्व करना है और आपको डायरेक्ट लिखना है। ये हो गया हमारा एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी बाई टू का, ये काम करना था, ये आपको रफने सोल्व करके आपको इस तरफ लिखना, इसको बताने की जरूरत नहीं, ये तो आप रफने सोल्व करना। तो ये हमारा फॉर्मूला लग गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला लग गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 13 वाला जो सही है, चार जने एक्सटेंट है, एक तो चिन्मय एक्सटेंट है, एक राहुल एक्सटेंट है, हिमांशी, हिमांशी एक्सटेंट है, तीन और एक और कोई नहीं। एशना, एशना है यहाँ पर, और कोई बता दो। चलो ठीक है, ढूंढ लेंगे उसको। ढूंढ लेंगे तो ये आपका इसका वैल्यू आ गया। अब इसका फॉर्मूला क्या है भैया, एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का लॉग लॉग एक्स, एक्स कितना है एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू प्लस अंडर रूट ऑफ, बेटा ये तो इससे ही आया ना, कई बार मैंने कुछ चीज कॉमन तो ली नहीं,
तो मैं इसकी जगह यहाँ पर ये लिख सकता हूँ x माइनस a इंटू x, तो ये आया तो उसी से ही भाई। यहाँ पर ये इसके आगे कहीं पे भी कॉमन थोड़ी लिया, आगे कॉमन लिया तो इसका मतलब इसी को तो कन्वर्ट किया, इसलिए हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया x माइनस a मल्टीप्लाइड बाई x माइनस, नहीं इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई यहाँ तक अपना काम हो गया है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम आप कर रहे हो, तो पीस की लिया। चलो अब देखो प्रॉब्लम इस तरह की आएगी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जैसे मैंने आपको बोल दिया 3x प्लस 2 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8, इसको मुझे इंटीग्रेट कर दो। अब इसमें क्या होगा, ऊपर इसका डिफरेंशिएशन बनाना है मुझे नीचे वाले, तो इसमें ट्रिक क्या होती है, आप वो भी नीचे लिखा हुआ है, यदि ऊपर x ऐसा आ रहा है तो आप इसको t ले लेंगे, 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 को मैंने t ले लिया, डिफरेंशिएशन करोगे 7dx इक्वल टू dt, पहला काम तो ये करना। अब आगे का काम आपका इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। एक्स का कोफिशिएंट 3 है, लाना क्या है, तो आप देखो कैसे लिखोगे, 3 तो बाहर लिखोगे, 8 लाना है तो 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 8 लाना है इसलिए 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड, पहली चीज। फिर यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, माइनस 7, तो यहाँ लिखोगे माइनस 7 प्लस 7, कुछ नहीं करा मैंने, 3x की 3x की मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, 3x की है, देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 3x की, तो मैंने सिर्फ बनाया है, कैसे बनाया है, 3 कॉमन ले लिया, 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड तो 8 माइनस 7 प्लस 7, ये आ गया। अब आगे क्या लिख रहा है ऊपर, तो ये प्लस 2 बिल्कुल, इस तरह से आपको ये लिखना पड़ेगा। क्या ये चीज दिक्कत आई इसमें, समझना आ गया सबको, बोलो क्लियर है, ये ऑनलाइन क्लियर है? यस सर, एक बार वापस बता दो, वापस बता दो, ये डिफरेंशिएशन तो समझ में आ गया ना बेटा, ये तो समझ में आ गया ना? यस सर। अब देखो सर, एक्स का कोएफिशिएंट ऊपर 3 आ रहा था, 3 बाहर लिख लिया, ये मैंने ऐसे लिख लिया 3x, ऐसे समझना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है जो मैंने लिखा दी? नो सर। वो अब देखो देखो, एक्स का कोएफिशिएंट 8 है पहली से, समझ में आया? यस सर। फिर आगे क्या लग रहा है बेटा, माइनस 7 प्लस 7 लिख दूंगा, कोई दिक्कत? नो सर। भाई माइनस 7 से प्लस 7 कैंसिल हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? अब इसको अलग अलग कर लूंगा, बस ये बन गया 3 बाई 8, यहां से अलग करूंगा 8x माइनस 7 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 डी 8, 3 बाई 8 8x माइनस 7 अपॉन दिस डी, ये मैंने इसको अलग कर दिया। अब अगली स्टेप देखना, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, 3 बाई 8 प्लस 7 से मल्टीप्लाई होगा, करो भाई 3 बाई 8 को 7 से मल्टीप्लाई और प्लस 2 करो, सोल्व करो, 16 प्लस 21 37 बाई 8 dx अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 7x, ये इस तरह से हमने इसको सेपरेट कर दिया। दोबारा बताएं,
दोबारा देखिए, वापस से देखिए, कैसे अलग कर रहा हूँ ध्यान से समझना, मुझे इसको अलग लेना है तो मैं क्या करूंगा, यहां तक अलग करूंगा, 3/8 8x-7 अपॉन 4x² - 7x+8 d, ये मैंने यहां तक अलग कर दिया। अब देखो ये 3/8 7 से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो गया 3/8 7 से मल्टीप्लाई होगा 21/8+2 तो 37/8, तो बचा क्या नीचे पर, तब नीचे ये बचा, आया आप समझ में? यस सर। और देखना इधर, ये हमारा डी पी था, तो ये आ गया 3/8 dp/2 और इसको वैसे ही करना है जैसा हमने पहले किया था, अभी स्टार्टिंग में कर रहे थे ना, जितने पहले x² का कोएफिशिएंट 4 बाहर आएगा, तो बाहर आके 8 से मल्टीप्लाई होकर 32, कैसे भी नहीं कर सकते, यही मैथड कौन सा, ये 20/2, हाँ ये कैसे हो, ये तो करना पड़ेगा, x² 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड, ये आया सामने, ये यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. dt/t 37, 4 कॉमन आ जाए तो 32 dx/(x²-7/4x+2) एक्स का कोएफिशिएंट 7/4 का आधा 10/8, वही परफेक्ट, हाँ वो आई एक्सटेंड है यार, वो बोल के गया था मैरिज में गया हूँ, वो एक जना मिल गया, x-7/8 का होल स्क्वायर -49/64 और +2 को किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो नीचे 64 बनाना है तो 64 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 64 × 2 = 128 हो गया, 128 में से 49 को सब्ट्रैक्ट करना भी कितना आ रहा है बेटा, 8 का कौन सा 8 है बस, ये 8 है, ये क्यों 4 को मिलेगी तो क्यों नहीं बचेगा, अरे सब में से 4 कॉमन लेगी बेटा, तो यहाँ 4 से डिवाइड होगा, ये भी 4 से डिवाइड होगा, ये भी 4 से डिवाइड होगा, तो +2 आया, एक्स का कोएफिशिएंट 7/4 मतलब आधा, इसका होल स्क्वायर +2 64 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलो यहाँ क्या बोल रहे थे, 128 - 49 79 तो 3/8 dt/t 37/32 dx/(x-7/8) का होल स्क्वायर +79 मतलब √79/8 का होल स्क्वायर, √79/8 का होल स्क्वायर, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो गया। कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई सेकंड वाले में, पहले वाले में तो लॉग लगेगा, 1/t का इंटीग्रेशन लॉग होता है, लॉग टी, दूसरे वाले में बोलो क्या लगेगा, 1/8 tan inverse x/a तो 3/8 log t, t की वैल्यू क्या थी हमारी 4x² - 7x+8 + 37/4√79 tan inverse LCM ले लो तो 8x-7/√79+3 दिस इज द वैल्यू, ये इसका पूरा इंटीग्रेशन होगी। तो ये प्रोसीजर रहता है बेटा कभी भी इंटीग्रेशन करने का इस तरह की प्रॉब्लम में, अभी आज हम यही प्रैक्टिस करेंगे, अभी इस तरह की प्रॉब्लम में ये प्रोसीजर रहेगा आपका। √3/8 log 4x² - 7x, कभी यदि 4 मार्क्स में आने का केस, 4 तो आएगा ही नहीं, 3 मार्क्स में आने का केस बनेगा तो इस तरह की प्रॉब्लम आएगी।
चलिए नेक्स्ट इको करते हैं। तो सारी इसी टाइप की प्रॉब्लम है, वो तो एक बार समझ में आ गया प्रोसीजर तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑफलाइन कल नहीं आई थी, ऑफलाइन जाना चालू कर दिया ना, यहाँ नहीं जाना चालू किया, आज जाएगी ना। अच्छा अभी चालू नहीं किया, फाइव एक्स माइनस फोर अपॉन अंडरूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10 डीओ, इसको हमें इंटीग्रेट करना है, अंडरूट के अंदर जो भी है उसको वापस से t मानेंगे हम, तो 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 को t मानेंगे। या जा 6x प्लस 6 dx इक्वल टू dt। अब मुझे ऊपर 6x प्लस 6 बनाना है, तो बनाने का तरीका वही है, 5 कॉमन आ रहा है तो पहले 5 को बाहर लिखो, 6 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, मैं 5x अभी क्या ये पूरा स्पेलिंग आ रही है, अब वो उससे कभी लिखा नहीं जा रहा है, क्या हो गया पता नहीं, नहीं ये तो पूरा स्पेलिंग आ रही है अंदर जैसा है लगता है, मतलब छोड़ दूं 10-15 दिन लिखने ना। सही है सही है। तो 6x प्लस 6 माइनस 6 और माइनस 4 dx, ये क्या करा समझ में आ गया, 5 बाई 6 अंदर आ गया 6x प्लस 6 माइनस 6। अब देखो सेपरेट कैसे करेंगे, यहां से अलग कर दो 5 बाई 6 6x प्लस 6 अपॉन अंडरूट ऑफ dx स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 dx, 5 बाई 6 को माइनस 6 से मल्टीप्लाई करो माइनस 5 और माइनस 5 और माइनस 4 माइनस 9 डी एक्स अपॉन अंडरूट ऑफ डी एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 की वैल्यू आ गई। तो ये तो हो गया भाई 5 बाई 6 डी टी अपॉन रूट टी, और इसको तो वैसे ही करना है जैसे करते आ रहे हैं, अंडरूट में से 3 बार लो तो 9 बाई अंडरूट 3 और अंदर अनुरूप 3 से डिवाइड, 3 से डिवाइड कर दो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 बाई 3। ये स्टेप समझ में आई भाई, माइनस 5 माइनस 4 माइनस 9 और 3 बार ले लिया तो 9 बाई अनुरूप 3 अनुरूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 बाई 3 परफेक्ट स्क्वायर बना लो, 5 बाय 6 डी टी बाई रूट 3, 9 बाय रूट 3 को मैं 3 रूट 3 लिख सकता हूं ना, अरे 9 बाय रूट 3 3 रूट 3 और नहीं लिखना चाहो तो मत लिखना कोई दिक्कत नहीं, x का कोफिशिएंट 2 है तो आधा हुआ तो 1, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 7 बाय 3 माइनस 1 माइनस 7 बाई 3 माइनस 1 माइनस 7 बाई 3 करो कितना आ रहा, माइनस 10 बाई 3 माइनस 10 बाई 3 माइनस 9 कैसा आया, ठीक है 5 बाई 6 को माइनस 6 से मल्टीप्लाई करो कितना आया माइनस 5 और माइनस 4 तो कितना हुआ माइनस 9। ठीक है, और यहाँ से 3 कॉमन लिया तो रूट 3 बार आ गया, ठीक है बेटा, तो
तो ये आ गया 5/6 dt by root t minus 3√3 dx upon x plus 1 का होल स्क्वायर माइनस 10/3 मतलब माइनस √10/√3 का होल स्क्वायर, या x plus 1 का होल स्क्वायर माइनस √10/√3 का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला क्या बना, अंडरूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इधर का तो 1/√3 का इंटीग्रेशन, अरे 1/√3 का इंटीग्रेशन, किसी का नहीं होता ऐसा, नहीं 1/x² आएगा तो लोग x स्क्वायर लिख देंगे ना, ओनली x आएगा या t आएगा उनको लिखते हैं। माइनस 3√3 log x प्लस अंडरूट ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस √10/√3 का होल स्क्वायर प्लस टी की वैल्यू रख देंगे, टी की वैल्यू है 3x² प्लस 6x माइनस 7 माइनस 3√3 log, अरे ओ अम्मा, 10/√3 का होल स्क्वायर प्लस, ये इसका वैल्यू आ गया। देख लो भाई ये दो चाहिए भाई, कौन कौन ले रहा है, और तीन भी होंगे तो कर लेंगे हम, दो तो एक्स्ट्रा है, अरे सुन लो ले लो उठा लो भाई जी, जिसको उठा लो सर आ रहा है अभी, ये आ गया भाई, अरे ये क्लियर है, यस सर। सर एक बार फिर से बता दो कि ये वाली जो मतलब ये वाली जो सिचुएशन है वो कब लगती है किसी प्रॉब्लम में, ये वाली बता? मतलब ये करना, ये ऊपर बना रहे हैं जो, हाँ ये तब लगेगा जब या तो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर वाला आ रहा हो या ओनली एक्स स्क्वायर वाला आ रहा हो, मतलब बिना रूट या रूट और ऊपर एक्स आ रहा हो। भाई यहाँ पर आपका रूट नहीं होगा तो भी लगेगा ये, और रूट होगा तो भी ये लगेगा, ऊपर देखो यहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा है और ऊपर एक्स आ रहा है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन आ रहा है ना, इसका डिफरेंशिएशन आ रहा है। अच्छा सर, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। एनर्जी आ गई, इसको अभी फिर गिरेगी देखना, तीन है, अरे तुम ले ले यार, तू तो ले ले यार, उधर आ जाया, अरे यार बेटा इसने चलो नेक्स्ट। पिलो पिलो और किसी को पीने का इंडिया जीत गई आज, इस खुशी में पिलो से चलिए ये देखो 4x-3 अपॉन अंडरूट ऑफ 9x² प्लस 6x+4, ये शुरू के 10 मिनट इसमें तो बर्बाद किए, बोला कि मत कुछ करो सर क्लास इसका, मैं देख के रहेंगे चलिए अब देखो ये स्क्वायर आ रहा है और ऊपर एक्स आ रहा है, तो मतलब डिफरेंशिएशन है तो आप इसको टी मानेंगे, तो 18x+6dx=dt। कोई कॉमन लेने वाले की ट्राई मत करना कि भाई अपन कॉमन ले लें,
जैसे आपको लगे कि यार 6 कॉमन आ रहा है तो ले लो ना, ऐसा काम करना ही नहीं है बिल्कुल भी। और सर रूट वाले को भी टी नहीं लेंगे ना, खाली उसको ही लेंगे। किसको क्या बोल रहा है बेटा? मतलब रूट, पूरे रूट को कभी नहीं लेंगे ना टी? हाँ, हाँ, पूरे रूट को नहीं लेंगे, अंदर का जो स्क्वायर वाला है उसी को लेंगे टी। ठीक है, अब देखो फोर फोर बार 18 से मल्टीप्लाई डिवाइड और माइनस 6 और माइनस 3, ये तो लिखना आ गया ना भाई सबको, इसमें दिक्कत आ रही है किसी को अभी? बोल यस उतरे जा, बोल ना बेटा इसमें कोई नहीं आ रही सर, क्लियर है? चलो अब यहाँ से अलग कर देंगे हमको, यहाँ से हम इसको अलग कर देंगे। अब ये देखो 4/18 को लिख देंगे 2/9, 18x+6 अपॉन अनरूट ऑफ 9x² + 6x+4। ये तो पहला वाला अलग हो गया, दूसरे वाले को देखते हैं भाई। 4/18 को -6 से मल्टीप्लाई करो, -24/18 सिंप्लीफाई कर लो भाई, -4/3 -4/3 -3 बोलो -13/3 ये आ गया भाई। दोबारा बोलो 4/18 मल्टीप्लाई हुआ -6 से, तो -24/18, 24/18 को मैं -4/3 लिख सकता हूँ, तो -4/3 -3, तो -13/3 आ गया। dx अपॉन अंडरूट ऑफ 9x² + 6x² ये आ गया। ये तो dt हो गया अपॉन रूट 3, यहां से आपको 9 कॉमन लेना पड़ेगा, तो 9 3 और 3 स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या हो गया 3, तो 3 और 3 कितना हो गया dx अपॉन सपोज 9 से डिवाइड कर दो भाई, x² + 6/9 मतलब 2/3 और +4/9, ये सब समझ में आई? 6/9 आया यहाँ तक समझ में? यस सर, यस सर। चलिए थैंक यू, आ गया दो पहले आवाज नहीं आ रही, तो ये हो गया भाई। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओ भाई, 2/3 का आधा 1/3, तो ये आ गया 2/9 dt/√3 13/9 x+1/3 का होल स्क्वायर -1/9 + 4/9 -1/9 + 4/9 3/9 मतलब 1/3, तो ये आ गया 2/9 dt। यार एक काम करो आप 3/9 ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आगे भी तो सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा हमें। अरे अरे x+1/3 का होल स्क्वायर रूट भी था ना, का होल स्क्वायर √3/3 का होल स्क्वायर, 1/√3 का इंटीग्रेशन 2√3, 1/√3 का इंटीग्रेशन 2√3 -13/9 log x plus अंडरूट ऑफ x square plus 8
प्लस टी की वैल्यू रख देंगे, टी की वैल्यू रख देंगे, तो टी की वैल्यू थी हमारी, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर 4/9 अंडर रूट ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। अरे क्या हुआ, ये आपका फाइनल आंसर। देखो काम बिल्कुल सेम हो रहा है, जितनी भी प्रॉब्लम हमने अभी तक की है सब में वही काम करना पड़ रहा है हमें। कहाँ जाना, क्या प्रॉब्लम हो रही है? e की पावर x 3 e की पावर x माइनस 5 अपॉन 4 e की पावर 2x माइनस 7 e की पावर x प्लस 9 डी, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। लिखा हुआ क्या है, 3 e की पावर x माइनस 5 अपॉन 4 e की पावर 2x माइनस 7 e की पावर x प्लस 9, क्या करना पड़ेगा बोलिए। e की पावर x आ रहा है, जब भी e की पावर x आ रहा है तो e की पावर x को t लेना पड़ेगा, e की पावर x आ रहा है तो हमें e की पावर x को क्या लेना पड़ेगा, t लेना पड़ेगा। नहीं अभी नहीं, मतलब रुको रुको, हाँ चलो, ओहो हो रुको रुको रुको, गड़बड़ हो गया। एक और e की पावर x लिखो, ऐसा लिखो भाई, 3 e की पावर x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय e की पावर x, ऐसा आएगा भाई। अब मैं e की पावर x को t लेंगे तो e की पावर x dx इक्वल टू क्या हो गया, dt। अब देखो देखो, ये तो dt हो गया, ये 3t हो गया, 5 हो गया, ये t स्क्वायर हो गया, 7t हो गया और 9 हो गया। अब आया सुन, e की पावर x को मैंने t लिया तो ये आ गया 3t माइनस 5 अपॉन 4t स्क्वायर माइनस 7t प्लस 9 dt। बेटा ये समझ में आ गया सभी को? अब यस सर, वही काम करना है बेटा, इसको नीचे वाले को कुछ मानना है, अब t तो लेना नहीं क्योंकि t पहले ले चुका हूं, u ले लो U। तो एस टी माइनस 7 डी टी इक्वल टू डी, एस टी माइनस 7 डी टी इक्वल टू डी। अब ये 3t है तो देखो 3 बार एस से मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस 5 प्लस 5 और माइनस 5 40 माइनस 7 प्लस 7 होना चाहिए ना, माइनस 7 प्लस 7, अच्छा सॉरी मैंने गलती की, सॉरी माइनस 7 प्लस 7 माइनस 5 डी टी। अलग कर लो भाई, 3 बाई 8 80 माइनस 7 अपॉन 40 स्क्वायर माइनस 70 प्लस 9। 3 बाई 8 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 21 बाई 8 माइनस 5 करो माइनस 39 बाई 8, नहीं नहीं माइनस 19 बाई 8, माइनस 19 बाई 8 डी टी अपॉन 40 स्क्वायर माइनस 70 प्लस 9, ये हो गया आपका डी टी और डी यू और ये हो गया यू। यहां से 4 कॉमन लोगे भैया,
तो ये आ गया टी स्क्वायर माइनस सेवन बाय फोर टी प्लस नाइन बाय थ्री, टी स्क्वायर माइनस सेवन बाय फोर टी प्लस नाइन बाय फोर। टी का कोफिशिएंट सेवन बाय फोर का आधा सेवन बाय एट, तो डी यू अपॉन यू माइनस नाइनटीन बाई थर्टी टू टी माइनस सेवन बाय एट का होल स्क्वायर माइनस फोर्टी नाइन बाई सिक्सटी फोर प्लस नाइन बाय फोर सिक्सटीन सिक्सटीन। चलिए 144 में से 49 को माइनस करो 95, तो ये हो गया आपका डी टी अपॉन टी माइनस सेवन बाई एट का होल स्क्वायर प्लस रूट नाइनटी फाइव बाई एट का होल स्क्वायर। अब थ्री बाई एट वन बाई यू का इंटीग्रेशन हो गया लॉग यू, और ये हो गया वन बाई एट टेन इनवर्स एक्स बाई एट। बस आगे तो वैल्यू रखनी है आपको और कुछ नहीं करना, ये एट से फोर कैंसिल हो गया, तो एक तो यू की वैल्यू रखनी है फिर टी की वैल्यू रखनी है, एक काम करना रूट नाइनटी फाइव बाई एट 144 माइनस 49 95, तो 95 क्या हो गया रूट नाइनटी फाइव बाई एट का होल स्क्वायर, इधर लिख देता हूँ। तो ये आ गया थ्री बाई एट log u माइनस 19 बाई 32 वन बाई ए टेन इनवर्स t माइनस 7 बाई ए डिवाइड बाय रूट 95 बाई ए प्लस टी, तो ये आ गया 3 बाई ए log u, u की वैल्यू कितनी है 40 स्क्वायर माइनस 70 प्लस 9 माइनस 19 बाय 4 रूट 95 टेन इनवर्स 80 माइनस 7 अपॉन रूट 95। अब टी की वैल्यू है हमारी ई की पावर है, तो लॉग 4 ई की पावर 2 एक्स माइनस 7 ई की पावर एक्स प्लस 9 माइनस 19 बाय 4 रूट 95 टेन इनवर्स 8 ई की पावर एक्स माइनस 7 अपॉन रूट 95 प्लस इंडिकेशन। तो करने का मेथड वही है, बस आपको ये देखना पड़ेगा जैसे e की पावर x आ गया कभी log x आ गया तो e की पावर x को t लेना है log x को t लेना है ताकि उसका डिफरेंशिएशन आके उसके बाद का काम सेम हो जाएगा। इस तरह से हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। इसका तो क्या करूंगा, वो तो जाना ही पड़ेगा। हाँ वो मेरा अब होमवर्क क्या है, बाकी के क्वेश्चन जो बचे हुए हैं कहाँ तक दे दिए थे मैंने, 15 तक दे दिए थे, 16 से लेकर 25 तक, मतलब 10 क्वेश्चन 16 to 25 आपको करके लाना है, 16 to 25। चलिए।